रेलवे स्टेशन पे, और जाहिर सी बात है जब रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो कहीं ना कहीं जाने की तैयारी होती है। तो आज हम लोग की जाने की तैयारी है, वो भी आपको थंबनेल से पता लग गया होगा। तो आज हम माता रानी के दरबार में जा रहे हैं, तो जिसकी सब तैयारी देव के नाना जी ने की है। अपने रिटायरमेंट होने के बाद में उन्होंने बोल रखा था कि सब कुछ अच्छा होगा तो चलेंगे। पीछे आ चुकी ट्रेन और थोड़ी से शोर ज़्यादा पड़ गया है, और देव का देखो बाल कितने ख़राब कर रखे हैं, दो तीन दिनों से बाल बिगाड़ लेते हैं, कॉम करते हैं। तो अभी हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और ट्रेन आने वाली है ना, फिर आगे आगे का सफर हम दिखाते हैं। अभी यहाँ पर हम केवल दो ही तीन लोग नहीं है, और हमारी पूरी फैमिली है। अभी सबसे मिलवाते हैं फैमिली है ना। तो फ्रेंड्स देखो ये सब लोग आ चुके हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, बाकी देखो हटो हटो मम्मी को भी देखने दो, ये मम्मी और दीदी हैं, पीछे देखो भाई लोग खड़े हैं, और देव के पापा और देव को वहाँ पहुँच गए हैं साइड में। बाकी हम सब लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, लग रहा आधा एक घंटा लग जाएगा, उसके बाद हमारा सफर स्टार्ट हो जाएगा, है ना, है ना भाई? फुल ट्रेन तो आ गई, हाँ सफर स्टार्ट होगा। देखो फ्रेंड्स इतने सारे बैग आए हुए हैं, ये सारे बैग जाएंगे, और ये देखो इधर क्या हो रहा है, ये मैच चल रहा है, इन लोगों को ये बिजी है, बहुत बिजी है इन्हें यहाँ पे भी बस ट्रेन चल रही है। बिजी इसमें दे थोड़ा सा एक डिस्कशन चल रहा था, इनके शूज देखो नीचे, आओ दिखाओ देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इन्होंने एक ही शॉप से ले रखे हैं सारे शूज, क्यों सबके अलग अलग हैं लेकिन सब देखो एक जैसे हो गए ये क्या हो गया, तीनों के एक जैसे हो गए ऐसा लग रहा है, इन तीनों ने सेल में से एक दुकान से ले लिया है। देखो तीनों के पूमा शूज हैं, भाई मुझे अलग कर दिया इन्होंने, हम दोनों को अलग कर दिया है। आप भी लेके आए थे नए? हाँ नए नए, बताओ जूतों की बात हो रही है। आओ देखो पापा के, देखो फ्रेंड्स, और ये पापा अपने फोन में बिजी हैं, फोन चला रहे हैं, फोन में मैच देख रहे हैं। पापा क्या कर रहे हो? पापा नहीं सुन रहे हैं, पापा बहुत बिजी हैं। ये मैच कंटिन्यू मैच चल रहा है, और हम देखो अपने, और हम लोग ब्लॉग में लगे अपने अपने वो बच्चों को खिला रहे हैं, देख के पापा बच्चों को खिला रहे हैं। है यार मैं जीती गई, देख लेना अभी देखो, अभी ये दोनों ये तीनों मेरे भाई हैं, देखो कर रहा था ऊपर, इधर देख भी नहीं रहे हैं, ये मैच देखा यार आज। बताओ सफर के बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? अच्छा टाइमिंग से पहुँच गए ना, कल दर्शन करेंगे, चलो ठीक है, बस जल्दी से ट्रेन आ जाए, है ना? जल्दी ट्रेन आया, ट्रेन में बैठे फिर एंजॉय करें बैठ के तो जल्दी से वेट है ट्रेन आ जाए, और फिर उसके बाद में हम लोग अपनी ट्रेन में जाएंगे। अभी बंद करो, देव भी कह रहा बंद करो, बोलो बंद करो। ओके देव मम्मा से कुछ कह रहे थे आप? फोन बंद करो फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि फोन मत चलाओ, यहाँ पे सफर का आनंद लो, फोन मत चलाओ, फोन बंद करो, ठीक है बंद कर। और अभी तक दो घंटे के वेट करने के बाद अब ट्रेन आने का अनाउंस हुआ है, बट अभी भी आई नहीं। सब लोग रेडी हैं यहाँ पे? तो फ्रेंड्स हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और वैसे तो काफी आगे निकल आई ट्रेन, और हमारे साथ में जो भी रास्ते में मिले थे, देखो कौन कौन मिलना था, तो ये तो सुरभि है, वो उर्वशी साथ में, सुरभि से भी नाम आता है, और ये देखो ये मिल गए, सब लोग मिल गए, सब मिल गए। तो बस हमारी कुछ सवारियां, चार सवारियां भी गई और दूसरे कोच में है, दूसरे एक देखो देव का तो यही काम रहता है, देव ने अपना फिर से स्टार्ट कर लिया गेम, क्या करें, थोड़ी देर एंजॉय किया बाहर ट्रेन का, आप फिर से एंजॉय करो बाइक पर ट्रेन में। बताओ कितने बजे पहुंचे हो? हम लोग मॉर्निंग में 6 बजे तक, तो यार 6 7 बजे जाएंगे, क्यों 7-8 बजे हम लोग उधर जाएंगे ना? ये लीडर लीडर ये हैं, बताएंगे, बताइए लीडर से कैसे उधर जाएंगे आप? जम्मू कटरा जम्मू स्टेशन पे, फिर वहाँ से आप ट्रेन करके बस करेंगे 2 घंटे के लिए कटरा के लिए, उसके बाद आप अभी अभी ये बेटर का काम करेंगे।
अच्छा अच्छा बताओ। तो हमने इन्हें कोने वाली सीट इसलिए दी है क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी जरूरत का काम होगा तो इन दोनों को ऑर्डर दिया करेंगे। और हम दोनों अभी हम लोग खाना खाने का प्लान बना रहे हैं तो अब ये अक्की और प्रियां डिब्बे चेंज है। हम लोग तो बहुत दूर है, फेमस हो जाएंगे आज के लिए, बहुत मेहनत करेंगे। ऐसा ना हो इनको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देंगे बढ़ के, है ना। ऐसा ना हो रेलवे वाले समझे कि भाई हमारे भी कुछ नहीं आना। गुड मॉर्निंग। तो ये है सुबह और हमारी ट्रेन पूरी रात भर चली है और हम लोग कहाँ पहुँच गए अभी, पंजाब जलंधर पहुँच चुके हैं। और अभी तो काफ़ी सफ़र बाकी है, 3 घंटे का सफ़र बाकी है लगभग, है ना। क्या हो रहा है, कितना सफ़र बाकी है बेटा? ट्रेन चल रही है, ट्रेन बंद है अभी, अभी नहीं चल। देव तो देव अभी थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, छोटी मोटी चीजें खा रहे हैं अपना। और देखा ये देव आधे सो रहे हैं, ये सब बाकी लोग हमारी सारी सवाइयां सो रहे हैं। दीदी उठ गई हैं, दीदी कह रही हैं बेटा उठ जाओ अपनी लल्ली से, कह रही हैं वो उठ ही नहीं रही हैं, है ना। कितनी देर हो गई, एक एक इनकी दीदी ये सो रही है। ये देखो चादर तान के सो रहे हैं, तो सब लोग अभी सो रहे हैं, बस हम देव हमारी फैमिली हम छोटे छोटे लोग हो गए, है ना। अभी ट्रेन की विंडोज वगैरह बंद है क्योंकि ठंड काफी है तो इसलिए अंधेरा है, लेकिन सही लग रहा है ना। देव वैसे पैरों पे कपड़ा भी नहीं डालते हैं लेकिन मैंने एग्री किया है ये डालने के लिए, लेकिन ठंड लग रही है तो राजी हो गए डाल दिए, चलो ठीक है। तो अभी चलती रहेगी ट्रेन और हम भी बैठे हैं कुछ देर इसमें, जब उतरेंगे तब दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हम लोग अपनी ट्रेन से उतरने वाले हैं और जम्मू के नज़दीक पहुंच चुके हैं ट्रेन और देव उठ चुके हैं और सब लोग अपना अपना डिस्कशन कर रहे हैं। वापस पूरी रात सो के आराम से सो के उठे हैं, देखो हमारा क्या कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा तो स्टेशन आ गया और विजय श्री पूछ रही है कि उतरना है क्या, तो तुम रुक सकती है थोड़ी बहुत देर, ये ट्रेन वापस जाएगी। नहीं तो ये ट्रेन वापस जाएगी गुवाहाटी के लिए। तो हम लोग का सामान रेडी है बिल्कुल, सब लोग पैक हैं नीचे से लेके ऊपर तक, और अब चलते हैं। और यहाँ ये पूरा केबिन पूरा ही खाली हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट स्टॉप है इस ट्रेन का। और देव क्या कर रहे हैं, देव देव अब किस में जाओगे, बाइक से या बस से? बाइक से। चलो अपनी बुलेट खड़ी हुई बाहर, चलेंगे अभी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं जम्मू स्टेशन पर और यहाँ ट्रेन से निकल लिए हैं और अभी कर रहे हैं अपनी टैक्सी का वेट जो हमने बुक की हुई थी। तो जम्मू पहुँचने के बाद सबसे पहले आपके नेटवर्क चले जाएंगे फ़ोन के, तो उसके लिए आपको एक यहाँ का सिम अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं भी अपने आप ही लोग आ जाते हैं कि आप सिम ले लीजिए,
तो इन भैया से अपना ले लिया है सिम और 100 रुपये का सिम दे रहे हैं ये। बाकी अपने जैसा भी रिचार्ज प्लान करना चाहें तो प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों सर्विस हैं यहाँ पे, बट अदर स्टेट की कोई यहाँ पे सिम एक्टिवेट नहीं रहेगी, सारे सिग्नल चले जाएंगे, तो यहीं की सिम परचेज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए लोग परचेज कर रहे हैं, हमने 2-3 सिम परचेज किए हैं इसके लिए हमने, और उसके बाद अपना आगे की ट्रिप प्लान करते हैं। देव देखो, देव ने आज फिर से चीटिंग की है। देव केवल पापा की गोद में है, बाहर आने के बाद किसी की गोद में नहीं जा रहा है ना पापा से, और किसी के पास नहीं जाते हो। तो हम लोग को जम्मू स्टेशन के बाहर से बस मिल चुकी है, और सरदार जी जो मिले बस वाले ओनर, उन्होंने तो कमाल कर दिया और इतना चीखे फाइनली हमें बोलना पड़ा कि क्यों चीख रहे हो, तो उन्हें फिर खराब लग गया। और देखो हमें पेनाल्टी पड़ गई, लास्ट सीट दी गई है 6 लोगों की, पूरी फैमिली के साथ एक सीट दी थी पीछे, और कुछ लोग आ गए हैं बस। तो अब यहाँ से निकलते हैं, और गर्मी काफ़ी लग रही है, हमें सोचा था ठंड वगैरह होगी तो बैग ज़्यादा लेके आया, ये भी बहुत सुना दिया गया कि हर आदमी एक बैग लेके आया है। चलो देखते हैं, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। बाबू चले, चलने लगी है और जल्दी माता रानी के दर्शन होंगे, और इसी बात पे सब प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। और देव बोलो ना, देव आप भी बोलो जय माता दी। सबने सिम कार्ड लिया, हमने अब सिम कार्ड ले लिया अपना। तो यहाँ से हमने सिम वगैरह ली है, तो बस के बाद अभी ऑटो से यहाँ उतरे हैं, और यहाँ पर है ये कौन सी जगह, ये त्रिकुटा भवन कटरा में, ये त्रिकुटा भवन है, और त्रिकुटा भवन ये रहा शायद ऊपर, यहाँ से दिख नहीं रहा है ये, तो इसी में थोड़ा ब्रेक लेंगे, रेस्ट करेंगे, और इसके बाद में ये देखो सबका एक एक बैग है, इसमें खजाना है, रेड वाले बैग में खजाना है। तो
एक रात और एक दिन के सफर के बाद फाइनली अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए कटरा में, कटरा में त्रिकुटा भवन पहुँचे हैं। और अब यहाँ से माता जी के दरबार का रास्ता दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे सामने है, हम आपको दिखाते हैं। तो वो दूर पहाड़ियों से दिखाई दे रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है। ये एक प्लेस है बीच में जहाँ पे रेस्ट किया जा सकता है पहुँचने के बाद। बाकी इससे आगे भी जाके रास्ता है, काफ़ी दूर है, तो देखते हैं कितनी दूरी डिस्टेंस है वहाँ से। और देव को स्पेस मिल गया है, तो देव होटल में अंदर एंट्री कर ही नहीं रहते। तो चलो अब चलें, अब तो चलें बाबू, अब आ जाओ, अब अंदर घूम के आते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ लिफ्ट से एंट्री करने के बाद में, और ये रहा जो गेस्ट रूम गेस्ट हाउस है, और यहीं से वहाँ का नज़ारा भी दिखाई दे रहा है वो पहाड़ियों के पीछे। और ये रही डोरमेट्री, यहाँ सब लोग एक ही रूम में हैं। और ये देखिए कितनी जल्दी फास्ट काम हो रहा है, सब लोग तैयार हो रहे हैं। पापा जी बहुत नाराज़ हैं, थके हुए भी हैं शायद, ऐसा लग रहा है, थके हुए हैं तो कोई बात नहीं, थके हुए नहीं है सब। अगर इतना अगर तेज नहीं दिखाएं, तेजी नहीं दिखाएं, तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा ठीक से, सब हल्के हल्के करेंगे। सही बात है, देर होगी। हाँ टेम्पो भी नहीं मिल रहा है, अब वैसे भी लेट हो चुकी ट्रेन भी, दो घंटे लेट है हम लोग। ये कह रहा था वो काउंटर पे अगर फटाफट नहा के चले जाओ तो मिल जाएगा। चलो तो देव रेस्ट करो, ठीक है, ओके, उधर गिनना नहीं है। फ्रेंड्स देखो हम लोग वापस रेडी हो गए, अब मंदिर की तरफ जाएंगे। और देव कह रहे हैं पैदल चलेंगे, तो देव पैदल चल पाएंगे क्या? देव नहीं चल पाएंगे पैदल। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगी हुई है, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर यहाँ से एक आई कार्ड मिलेगा, तो जो कि सबको फॉलो करना ही होता है। और उसके बाद में खुशी और ये यहाँ वेट कर रहे हैं, इनके लिए मैं करूँगा। और ये अमर को मिल चुका है, तो यहाँ पर जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करके आते हैं उनके लिए यहाँ पर आई कार्ड मिल जाता है, और नहीं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं। और हम लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो इसलिए हमें आई कार्ड मिल जाएगा। और इसमें कुछ सीरियल नंबर वगैरह होता है, जैसे कि लास्ट में दिया हुआ है, इसमें सारा डेटा रहता है कैंडिडेट का जो भी ट्रेवल कर रहे हैं उनका। तो अभी तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और हमारे लिए ये मिल गया है। तो अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के और ये जो अपने कार्ड्स वगैरह हैं आई कार्ड लेने के बाद आप जा रहे हैं बाणगंगा के लिए, वहाँ से फिर हमारे चेकिंग होगी, चेक पोस्ट है, और फिर उसके बाद में यात्रा पैदल यात्रा शुरू होगी। तो इसी बात पे प्रेम से बोलो जय माता दी, देव जय माता दी, जय माता दी। तो अभी हम लोग आ गए हैं चेक पोस्ट पे, और यहाँ से चेक पोस्ट पे जो भी चीज़ें हैं रूल्स फॉलो करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो पुरुष सामान सहित, पुरुष सामान रहित यहाँ जाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी हमारी चेकिंग हो गई सामान वगैरह की, और यहाँ पे देखो श्री और देव बैठे हैं, और मैं भी फ़ोटो क्लिक कराता हूँ। चलो अब ये फ़ोटो क्लिक करेंगे।
अभी हमने 100 मीटर चढ़ाई की है और क्या हालत हो गए तो साथ में देव 100 मीटर की चढ़ाई में और सब हॉर्स इतना बड़ा हॉर्स ये देखो देव को और शिव को हमने फाइनली से बिठा दिया क्योंकि हमको दिक्कत हो रही थी देव को लेके चलने में चलो और अभी लाइट चली गई है इसलिए अंधेरा है कोई दिक्कत नहीं है अब इजीली साथ साथ मैं भी चलता रहूँगा है ना चलो चलो जोर से बोलो सारे बोलो तो चलते चलते हालत खराब हो गई मेरी और पीछे हॉर्स पे फ्रेंड्स सब लोग आगे निकल गए हैं और शी भी हॉर्स पे बैठ के देख के साथ काफ़ी आगे निकल गए हैं और मैं आराम से रेस्ट करते हुए चल रहा हूँ और ये देखिए जिन श्रद्धालुओं को दर्शन हो चुके हैं माता रानी के वो वापस जा रहे हैं तो मैं आगे चलता हूँ देखो कुछ लोग मेरे पीछे हैं कुछ लोग मेरे आगे हैं तो अभी देखते हैं कौन कहाँ मिलता है तो बाकी मैं आराम से चल रहा हूँ सब कुछ कंटिन्यू पूरी वीडियो बनाते हुए आप लोग भी देखते रहिए वीडियो में बने रहिए हमारे फ्रेंड्स यहाँ अर्धकुमारी जो एक स्थान है वहाँ पर आ चुके हैं और लगभग 5-7 किलोमीटर की यात्रा हमारी हो चुकी है पैदल यात्रा और यहाँ से आगे जाने के लिए एक व्हीकल की बुकिंग थी ऑनलाइन तो थोड़ा सा लेट होने की वजह से अब हमको आगे मिलेगा उसको 5 घंटे वेट करना है 1-2 घंटे बाद मिल जाएगी तो अब यहाँ खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ खाना पीना खा लेते हैं तो सब लोग बंदे को बैठे हुए दिखाओ और तो सब लोग देखो ठंड भी बहुत पड़ गई है ये 3 घंटे के सफर में सब लोगों ने अपनी अपनी जैकेट वगैरह निकाल ली सिवाय भाग्या को छोड़ के भाग्या को अभी भी गर्मी लग रही है इस जगह को ही अर्धकुमारी शायद बोला जाता है और इसके आगे एक अर्धकुमारी नाम से टेम्पल है तो वो तो हम हो सकता है सुबह दर्शन करेंगे ये बहुत बड़ा है यहाँ पे सब लोग बैठ के वेट करते हैं और यहाँ से टिकट मिलेगा वहाँ लाइट लगी हुई है बहुत लंबी नीचे को जाके
तो फ्रेंड्स अभी हमारी गाड़ी के लिए वेट था थोड़ा सा, तो उससे पहले टाइम का सही यूज़ कर लिया, तो हम लोग थोड़ा कुछ खा पी रहे हैं। रात में चावल मिले, सही मिले, बट अच्छा टेस्ट है, और सब लोग खा रहे हैं साथ में। जो जगह थी जहां हम रुके हुए थे अर्धकुमारी थी, यहां पर हम लोग सब लोग राजमा चावल खा रहे हैं। इसके बाद में हमारा क्या आएगा, क्या मंगाओगे? चाय। चाय आएगी सब। और क्या उधर क्या मंगाएंगे? कॉफी। उधर वाले सुन ही नहीं रहे, उधर वाले सुन नहीं रहे, उधर वाले इनकी पकड़ी जा रही है चोरी से। व्यस्त है वो, कितना व्यस्त है वो, रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे हैं। जो लोग का ग्रुप बन गया। तो ये रही बैटरी से चलने वाली कार, अर्धकुमारी से आगे जाने के लिए जो गाड़ियाँ मिलती हैं वो ये रही। और यहाँ पे ये चार्ज हो रही हैं, देखिए ये सेटअप लगा हुआ है, सारी गाड़ियाँ वहाँ तक चार्ज हो रही हैं। फिर जब नंबर आता है तो ये गाड़ियाँ वन बाई वन जाती रहती हैं। तो बाकी कुछ लोग जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं यहाँ से। तो अभी हम माता रानी के भवन के पास में आ गए हैं, जहाँ पे लॉकर वगैरह है, और यहाँ पे हमारा सामान जो भी होता है, चाहे डिजिटल चीज़ें हों या करेंसी वगैरह या और भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ यहाँ जमा हो जाएगा लॉकर में, और उसके बाद में खाली यहाँ दर्शन करने जाना है। तो सारी तैयारियाँ हो रही हैं कि अपने सारा सामान को हम लोग लॉकर में डालेंगे, तो ये सभी के साथ होता है। तो फिलहाल अगली क्लिप होगी हमारी वापस यहीं से सामान लेने के बाद, अंदर के दर्शन नहीं हो पाएंगे, दर्शन हम लोग ही कर पाएंगे, बाकी लोगों को दर्शन नहीं होंगे, ब्लॉग में नहीं दिखा पाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स फाइनली हम माता रानी के दर्शन करके आ चुके हैं, और जैसा कि आपको पता है नवरात्रि चल रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोग को सेपरेट धर्मशाला नहीं मिली, तो ये कम्बाइंड धर्मशाला है, यहाँ पर शेड है, तो हमने यहीं पे रेस्ट किया सभी लोगों ने, और देर अभी सो चुके हैं, बाकी उठेंगे मॉर्निंग में। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। और ये रहा माता रानी के दरबार, इसमें ही अंदर जाके हमने दर्शन किए थे माता रानी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे जो कि हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अब हो चुकी है सुबह, अब हम लोग वापस अपने होटल की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। तो अभी ये सुबह है और सब लोगों ने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, रात में दर्शन किए थे, दर्शन करने के बाद में फिर सो लिए थे, तो सोकर उठे हैं अभी, और सब लोग सब ऐसे ऐसे पैक हैं। तो दर्शन तो उस टाइम किए थे, नहा धो के आए थे, उसी टाइम दर्शन कर लिए थे, बट तो उसके बाद सो लिए इसलिए ऐसे हो गए हैं। और देव वाय नहीं करो, प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो ये बोलो जय माता, जोर से बोलो, अब बोलो जोर से बोलो, देव बोलेगा जोर से बोलो, तो जोर से बोलो जय माता दी, अरे आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, माता दी। और माता जी से क्या मांगा? पुलिस। बड़े होके क्या बनेगा देव? पुलिस बनेगा, ठीक है। और सब लोग स्वस्थ रहे, इतनी नौकरी लग जाए, हमारे अंकल तुम लोग इतनी मेहनत करके आए, मांग लिया सब अपनी। हम लोग अभी जा रहे हैं घर पे, घर पे नहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं अर्धकुमारी, वहाँ से चलेंगे, पैदल ट्रैक शुरू होगा, रात में जो रात में हुआ था वो अब दिन में होगा। तो अभी हम वैष्णो देवी की यात्रा कर पूरी करके वापस लौट रहे हैं, और लगभग आधी से ज़्यादा चढ़ाई वापस उतर ली है हम लोग, और यहाँ पे छोटे छोटे ब्रेक ले रहे हैं, और अंदर हैं सब लोग यहाँ पे, और इसके बाद में हम लोग की पूरी हो जाएगी पैदल यात्रा, फिर हम होटल में पहुँचेंगे।